महाभारत में जुए के कारण ही धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजपाट खोना पड़ा था और इसी वजह से पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। इसी के कारण पांडवों और उनकी पत्नी महारानी द्रौपदी को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर मैं वहाँ उपस्थित होता तो किसी भी तरह जुए को नहीं होने देता, और अगर ज़रूरत पड़ती तो समस्त कौरवों और उनके सहयोगियों का वध कर देता। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप सभी देख रहे हैं फीन अजय। बात उस समय की है जब पांडव और महारानी द्रौपदी वनवास को चले गए। तब यह सारा दुखद वृत्तांत सुनकर श्री कृष्ण सहित पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न, छेदीराज दृष्टकेतु और महापराक्रमी केकय राजकुमार पांडवों से मिलने आए। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों और महारानी द्रौपदी की ऐसी अवस्था देखकर क्रोधित हो गए और महाराज युधिष्ठिर को नमस्कार करके बोले, राजाओं, जान पड़ता है यह पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथा दुस्शासन, इन सबके रक्त का पान करेगी। युद्ध में इनको और इन सबके सेवकों को अन्य राजाओं सहित परास्त करके हम सभी मिलकर महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती नरेश के पद पर अभिषिक्त करें। जो दूसरों के साथ छल कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो उसे मार डालना चाहिए, यही सनातन धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के क्रोध को देखकर अर्जुन ने उनकी स्तुति की और उन्हें सांत्वना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं। जो तुमसे देश रखता है वह मुझसे भी रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। दुर्दशवीर, तुम नर हो और मैं नारायण श्री हरि हूँ। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि ही इस लोक में आए हैं। कुंती कुमार, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ। भरत श्रेष्ठ, हम दोनों का भेद नहीं जाना जा सकता। तब भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी ने अपना सारा दुख कह सुनाया और कहा कि आप ही मेरे रक्षक हैं। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि निश्चय ही सहदेव शकुनी का, अर्जुन कर्ण का और भीम से इन दुशासन और दुर्योधन सहित समस्त कौरवों का विनाश कर देंगे। उस समय दृष्टद्युम्न ने भी आचार्य द्रोण को मारने की प्रतिज्ञा की। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यदि मैं पहले द्वारका में या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकट में नहीं पड़ते। दुर्जय वीर, अंबिका नंदन धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरवों के बिना बुलाए भी मैं उस द्यूत सभा में आता और जुए के अनेक दोष दिखाकर उसे रोकने की चेष्टा करता। प्रभु, मैं आपके लिए भीष्म, द्रोण, कृप, ब्राह्मिक तथा राजा धृतराष्ट्र को बुलाकर कहता, कुरुवंश के महाराज, आपके पुत्रों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। राजन, मैं द्यूत सभा में जुए के उन दोषों को स्पष्ट रूप से बताता जिनके कारण आपको अपने राज्य से वंचित होना पड़ा है तथा जिन दोषों ने पूर्व काल में वीरसेन पुत्र महाराज नल को राज सिंहासन से च्युत किया। नरेश्वर, जुआ खेलने से सहसा ऐसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता है जो कल्पना में भी नहीं आ सकता। इसके सिवा उसे सदा जुआ खेलने की आदत बन जाती है। यह सब बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलने का शौक और मद्यपान, ये चार प्रकार के भोग काम जनित दुख बताए गए हैं जिनके कारण मनुष्य अपने धन ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। शास्त्रों के निपुण विद्वान सभी परिस्थितियों में इन चारों को निंदनीय मानते हैं, परंतु दूत क्रीड़ा को तो जुए के दोष जानने वाले लोग विशेष रूप से निंदनीय समझते हैं। जुए से एक ही दिन में सारे धन का नाश हो जाता है, साथ ही जुआ खेलने से उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है। समस्त भोग पदार्थों का बिना भोगे ही नाश हो जाता है और बदले में केवल कटु वचन सुनने को मिलते हैं। गुरुनंदन, ये तथा और भी बहुत से दोष हैं जो जुए के प्रसंग से कटु परिणाम उत्पन्न करने वाले हैं। महाबाहो, मैं धृतराष्ट्र से मिलकर जुए के ये सभी दोष बतलाता। गुरुवर्धन, मेरे इस प्रकार समझाने बुझाने पर यदि वे मेरी बात मान लेते तो कौरवों में शांति बनी रहती और धर्म का भी पालन होता। राजेंद्र, भरत श्रेष्ठ, यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचन को सुनकर उसे न मानते तो मैं उन्हें बलपूर्वक रोक देता। यदि वहाँ स्वर्ग नामधारी शत्रु अनन्य आश्रय ले
इस धृतराष्ट्र का साथ देते तो मैं उन सवा सत जुआरियों को मार डालता। कुरुश्रेष्ठ, मैं उन दिनों अनर्थ देश में नहीं था, इसलिए आप लोगों पर यह द्यूतजनित संकट आ गया। कुरुप्रवर पांडुनंदन, जब द्वारका में मैं आया तब सात्यकी से आपके संकट में पड़ने का यथावत समाचार सुना। राजेंद्र, वह सुनते ही मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और प्रजेश्वर, मैं तुरंत ही आपसे मिलने के लिए चला आया। भरत कुलभूषण, अहो आप सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए हैं, मैं तो आपको सब भाइयों सहित विपत्ति के समुद्र में डूबा हुआ देख रहा हूँ। तो इस बात से हमें यही पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि क्षत्रियों को जुआ खेलना चाहिए एवं उसमें पड़ना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी भी प्रकार से जुए में नहीं पड़ना चाहिए और जुए से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि जुआ एक ऐसी लत है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। तो मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार।